नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। प्रदेश में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। नेताओं की जीत के अपने अपने दावे हैं, लेकिन 5 साल बाद क्या एक बार फिर राजस्थान की जनता 2018 के चुनाव में देगी बीजेपी का साथ? कांग्रेस पर करेगी भरोसा या प्रदेश में उभर रहे तीसरे मोर्चे को देगी मौका? इसी की पड़ताल के लिए हम लेकर आए हैं हमारा खास शो, क्या है जनता का मूड। जयपुर न सिर्फ राज्य की राजधानी है, बल्कि सीटों के लिहाज से भी यह जिला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शायद इसलिए कांग्रेस की नजर भी इस बार इन सीटों पर गड़ी हुई है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट भी कह चुके हैं कि वो जयपुर में मजबूत होने वाले भाजपा के दावे को झूठा साबित कर देंगे, लेकिन इसे हकीकत में कितना तब्दील कर पाते हैं ये देखना होगा। जयपुर जिले में कुल 19 विधानसभा सीटें हैं और इनमें से 14 सीटें सामान्य हैं, 3 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। वहीं शहरी और ग्रामीण आबादी के लिहाज से देखा जाए तो इस जिले में 52.4% लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि ग्रामीण आबादी 47.6% है। आमतौर पर शहरी आबादी में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत माना जाता है और 2013 के विधानसभा चुनाव में जब सत्ता विरोधी लहर चली तो बीजेपी ने पूरे राज्य सहित जयपुर जिले में लगभग क्लीन स्वीप कर लिया था और कुल 200 विधानसभा सीटों में से 163 पर बीजेपी को जीत मिली थी, जिनमें से जयपुर की 19 सीटों में से 16 सीटों पर उसके उम्मीदवारों ने परचम लहराया और जबकि जयपुर में कांग्रेस महज 1 सीट तक ही सिमट कर रह गई थी। तो आज क्या है जनता के मूड का कारवा पहुंच चुका है जयपुर शहर, जहां हमारे सहयोगी विनायक पहुंचे वोटर्स के बीच और उनसे जाना वोटर्स का मिजाज, और यहां जानते हैं क्या है जनता का मूड। चुनाव आने वाले हैं, क्या मूड है इस बार आप लोगों का, कि क्या इस बार चुनाव में होने वाला है? बीजेपी कांग्रेस सरकार है, उससे उसने जो वादे किए थे वो पूरे हुए, आप लोग खुश हैं नहीं है, क्या मन बना रखा है आपकी बार? आधे खुश है सर। आधे खुश हो? हाँ। अच्छा, आधे नाराज हो? हाँ। अच्छा, किन किन चीजों से खुश हो और किन किन चीजों से नाराज हो? आधे हमारे काम नहीं हुए, हमारी नौकरी नहीं ली, हम बेरोजगार है आधे, हमारे यहाँ पे काम करते हैं जिनको भी काम नहीं देते आधे। अच्छा, क्या क्या काम हुआ है? आधे जो सड़कों का है जो ही हुआ है और नौकरी है वो आधी लगी है, आधे बेरोजगार है। बेरोजगार है तो अब की बार जो चुनाव आने वाले हैं उसके अंदर क्या करोगे? चुनाव आए तो नौकरी लगे ये किसी का। चुनाव में वोट कहाँ करोगे अब की बार? वोट जो आएगी सरकार जिसको जो चाहेगी, हमको पहले हुआ वादा उनका क्या हुआ? अच्छा, जो पहले वादा हुआ उसका क्या हुआ, जो अब की बार वादा करेंगे उस पर ये बात करेंगे। और भी हमारे साथ यहाँ कई साथी जुड़े हुए हैं। भाई साहब, आपको क्या लगता है क्या मूड है अब की बार? देखो, केंद्र में तो वैसे बीजेपी आनी चाहिए और राजस्थान में तो चेंज होनी चाहिए सरकार। राजस्थान में चेंज होनी चाहिए और केंद्र में बीजेपी आनी चाहिए, ऐसा क्यों, आपने ये राय क्यों बनाई? ये राय इसलिए कि क्योंकि राजस्थान में जो भी वादे हुए ना वो अधूरे से लगते हैं और लास्ट टाइम पे कुछ किया ऐसा और बाकी पहले 4 सालों में कुछ भी नहीं किया। और जैसे बीजेपी केंद्र में बीजेपी आनी चाहिए, मोदी सरकार आनी चाहिए, केंद्र में बीजेपी आनी चाहिए और राजस्थान में कांग्रेस आनी चाहिए। भाई साहब, आपको क्या लगता है? युवा साथी भी हमारे साथ यहाँ कई जुड़े हुए हैं, युवाओं से भी जानना जरूरी है, आखिर चुनाव में युवाओं का क्या मन है, क्या लगता है? जी सर, कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन बात करें तो राज्य में भी बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है, तो क्या जनता का जो विकास है वो नहीं हो रहा, जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं मिल रही, वो क्या रहा है? सर, सबसे बड़ी मुद्दा है हमारे लिए बेरोजगारी। बेरोजगारी, एग्जाम हुई है वो सही तरह से कंडक्ट नहीं हुए हैं, फर्जीवाड़ा चल रहा है एग्जाम, आपने उठाया हुआ मुद्दा, बहुत फर्जीवाड़ा चलता है, एग्जाम सही नहीं होती है। और उससे जिन नेताओं को आप चुनते हो उनको कभी बताते हो कि यार ऐसी चल रही है हमारी, आप सहयोग करो? सबको पता रहता है, सब मिले भगत होती है। आप देखो, रोजगार का मुद्दा भी युवाओं का यहाँ हमारे सामने आ रहा है, लोग पूरी तरीके से डिमांड कर रहे हैं कि रोजगार हमें नहीं मिल रहा है, एग्जाम्स के अंदर फर्जीवाड़ा हो रहा है। और भी कई लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। भाऊ जी नमस्कार। चुनाव आने वाले हैं, अब की बार आम जनता क्या चाहती है? नेता तो आते हैं, वादा करते हैं, हर बार कहते हैं कि हम बदल देंगे, सूरत बदल देंगे, तस्वीर बदल देंगे, लेकिन आम जनता की क्या तस्वीर बदली? नहीं, कुछ नहीं।
कुछ नहीं बदली यहाँ कन्वेंस की? एक तो बिल्कुल सुविधा नहीं है, कन्वेंस की सुविधा नहीं है, कतई नहीं है। तो बोलते हो कभी नगर निगम पार्षद को, एमएलए को, सांसद को? एमएलए साहब को कई बार कहा जी, लेकिन कोई कोई सुनवाई नहीं। क्या कहा आपने? कई बार कहा उनको कन्वेंस की सुविधा करवाओ। हाँ, फिर उनका क्या जवाब रहा? करवाएंगे करवाएंगे। करवाते करवाते 5 साल निकल गए, चुनाव आने वाले हैं, चुनावी मौसम आ गया, जैसे दिवाली आ गई वैसे एक त्योहार के रूप में चुनाव आ गया। जनता का क्या रुझान है अब की बार चुनाव में? सर, जनता का रुझान यही है कि महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है हर चीज। एक आम आदमी कुछ खरीद नहीं सकता, आम आदमी कुछ खरीद नहीं सकता, कुछ नहीं खरीद सकता इस हिसाब से। तो अच्छा, फिर आम आदमी चुनाव में क्या करेगा? इस महंगाई का क्या असर चुनाव में पड़ेगा? इस बार बीजेपी मुश्किल लग रही है सर। अच्छा, बीजेपी मुश्किल लग रही है अब की बार। हमारे साथ और भी कई स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे विद्यार्थी वर्ग क्या चाहता है, स्टूडेंट वर्ग क्या चाहता है, क्या अपेक्षाएं रखता है किसी राजनीतिक दल से या सरकार से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अनएम्प्लॉयमेंट की है, ठीक है, वो सॉल्व कर नहीं रही है सरकार, और फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रही है। जैसे फालतू की क्या क्या चीज़ें कर रही हैं? फालतू की चीज़ें प्रमोटिंग, उनकी अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने इतना पैसा वेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी ये जो गौरव यात्रा निकाली थी वसुंधरा राजे ने, उनको 4 साल के बाद याद आ रही है कि ये सब चीज़ें? जब उनको चुनाव होता है तब सब चीज़ें याद आ जाती हैं, उससे पहले वो दिखती नहीं है। बेरोजगारी कितनी बढ़ गई आप खुद देख सकते हो ना। यूथ का क्या मूड है? यूथ का तो ये मूड है, देखो कांग्रेस और बीजेपी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन को अपने राजस्थान को ऊंचाइयों पे लेके जाना है। वो कैसे ले जा सकते हैं हम एक अच्छे पॉलिटिशियन को, जो अपन को लगता है कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा काम कर सकता है? पार्टी नहीं देखे, प्रत्याशी नहीं देखेंगे, प्रत्याशी देखेंगे कौन अच्छा काम कर सकता है हमारे लिए, इस जनता के लिए। अरे वो कैसे पता चलेगा अपने को कि ये कौन अच्छा काम कर सकता है? सब में अपना अपना पर्सनल वो है, दिमाग है सब में, सब अपने अपने व्यूज रख सकते हैं। सब देखो एनालाइज करो कि हाँ ये आदमी क्या चाहता है, ये सिर्फ अपना करियर बनाना चाहता है पॉलिटिक्स में या फिर लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। पूरा तोल मोल के फिर उसके बाद वोट दें, बिल्कुल, तब जाके तस्वीर बदलेगी। एक बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है। और भी हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे। भाई साहब आपको क्या लगता है आम जनता की क्या मांग है आखिर राजनीतिक पार्टियों को लेकर, चुनावों को लेकर, और क्या मुख्य समस्याओं का सामना एक आम आदमी को करना पड़ता है? हर चीज़ की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे महंगाई हो, चाहे क्योंकि कोई सी भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, वो अपने अपने जो पैट होता है ना उसको ही सेकने की कोशिश करते हैं। आम पब्लिक की नहीं सोचते, आम पब्लिक की बिल्कुल भी नहीं सोचते, सिर्फ खुद का सेकने की कोशिश करते हैं। अगर पब्लिक की सोचेंगे तो आगे बढ़ेगी, अपना देश पूरा आगे बढ़ेगा। अच्छा, तो अब की बार जो चुनाव आएंगे उसमें आम जनता ऐसा क्या करे कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए? आम जनता सोचने के लिए सबसे पहले जो अपने सामने वाला प्रत्याशी है, ना तो कांग्रेस का, ना पक्ष बीजेपी का, दोनों से हट के अगर कोई तीसरी पार्टी आती है और पार्टी में ऐसे दल, ऐसे कार्यकर्ता को लो जो कि आगे काम, देश को प्रगति पे लाए। जी, वैसे कोई ऐसा प्रत्याशी है ना कांग्रेस ना बीजेपी, तीसरा ही कोई विकल्प की तलाश में यहाँ पर आम जनता है। वहीं जयपुर शहर की अगर बात करें तो आमतौर पर यहां के लोग रोजगार, ट्रांसपोर्ट, महंगाई की समस्या से जूझ रहे हैं। वोटर्स का मानना है कि जितना पैसा पार्टियां प्रचार के लिए खर्च कर रही हैं, अगर उतना पैसा विकास के लिए खर्च किया जाता तो शायद इलाके की तस्वीर कुछ और होती, और इसलिए इस बार यहाँ के लोग पार्टी नहीं बल्कि कैंडिडेट को देख कर ही वोट करने का मन बना रहे हैं। हालांकि कुछ वोटर्स को उम्मीद है कि इस बार फिर बीजेपी की वापसी होगी, जबकि कई लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की। चुनाव आने वाले राजस्थान के अंदर, अच्छा। क्या लगता है अब की बार आम जनता और बुजुर्गों का क्या रुझान है? पता नहीं जी, हम तो कांग्रेस को वोट देते हैं। कांग्रेस को वोट देते हो, बीजेपी को नहीं देते हो? बीजेपी ने से खुश नहीं है, बीजेपी की सरकार है राज्य में? नहीं, कांग्रेस को देते हैं हम तो। अच्छा, जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी उससे आमजन खुश नहीं है? आमजन कोई खुश नहीं है, इसलिए अब की बार आप कांग्रेस की तरफ जाएंगे? वैसे वो चक्कर ये है ना कि एक पार्टी और तीसरी बन गई ना घनश्याम तिवाड़ी की, उसकी वजह से प्रॉब्लम है, नहीं तो कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, घनश्याम तिवाड़ी जी की पार्टी वो प्रॉब्लम कर सकती है? हाँ, कर, नहीं तो कांग्रेस का आना तय है। चुनाव आने वाले, आम जनता का क्या मूड है? अब की बार तो यहाँ से भाजपा तो जाएगी। भाजपा जाएगी? अच्छा, केंद्र में भी भाजपा है, राज्य में भी भाजपा है, यहाँ भी भाजपा के एमएलए हैं, भाजपा के सांसद हैं, चारों तरफ भाजपा है, उसके बाद भी क्या समस्याएं आ रही है?
जनता को वो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे क्या क्या समस्याएं आ रही बताओ तो? सरकार कुछ नहीं कर रही है। भाई साहब आपको क्या लगता है अब की बार कि क्या होने वाला है चुनाव में? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ बीजेपी आएगी। लोग खुश हैं बीजेपी से? हाँ खुश हैं जी। अच्छा क्या क्या काम हुआ है बीजेपी के राज में? बहुत काम हुए, बहुत सफाई हो रही है, बहुत काम, सारे काम अच्छे हो रहे हैं भाई साहब। अच्छा सफाई का काम हो रहा है तो सारे काम? हाँ काम अच्छे हो रहे हैं सारे। आपको लगता है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जैसे व्यापारी वर्ग है, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, वो बीजेपी को चुनेंगे? हाँ बीजेपी को। बीजेपी को चुनेंगे तो अलग अलग रुझान हमें यहाँ लोगों के जानने को मिल रहे हैं। देखा जाए तो क्या मन लग रहा है, क्या माहौल है मार्केट में? डिपेंड करता है, अभी तो कोई पॉलिटिशियन ही क्लियर नहीं है कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा कौन नहीं बनेगा। जब ये क्लियर हो जाएगा, जब कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा कौन प्रत्याशी होगा, उसके बाद ही जनता अपना फैसला ले पाएगी। आपका क्या मूड है? सर देंगे इस बार ही वोट तो देंगे, पर इस बार थोड़े ऐसी पार्टी को देंगे जो काम कर सके। अभी पहले नहीं दिया था ऐसी को? दिया था, पहले को भी दिया था, पर वो थोड़ा धोखा कर गई इस बार। और ये वाली भी कर गई तो फिर वोट देना बंद कर देंगे और क्या करें? वोट देना बंद कर दोगे? सोच समझ कर अच्छा प्रत्याशी चुनो, क्योंकि युवा को जागरूक रहना चाहिए। भैया आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल जागरूक रहना चाहिए और जो समस्याएं हैं युवाओं की उनके बारे में करना चाहिए इनको कुछ। अच्छा क्या क्या समस्याएं हैं युवाओं की? बेरोजगारी है। बेरोजगारी है और यही है मेन तो। अच्छा कौन पूरा कर सकता है इनको? सारे एक बराबर ही हैं, सब सारे बराबर हैं, मतलब सब ना वादे तो करते हैं लेकिन कंप्लीट तो कोई भी नहीं करता। अच्छा सब नेता वादे करते हैं लेकिन कंप्लीट कोई नहीं करता, तो नेता जी वादे कीजिए तो उन्हें पूरा भी कीजिए। अच्छा आपको क्या लगता है भाई साहब? क्या लगता है चुनावों को लेके? महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है, मजदूरी बढ़ नहीं रही है और समस्या बीजेपी में तो हालत ही खराब हो रही है। बस बीजेपी के अंदर हालत ही खराब हो रही है, तो जिन नेताओं को वोट देते हो कभी उनसे बात की? नहीं बात क्या करेंगे, हमसे कहाँ बात करते हैं नेता? नेता बात ही नहीं करते हैं। तो जब चुनाव आते हैं तब तो आते होंगे ना वोट मांगने? आते हैं, जो वोट मांगने में जब वोट मांग के चले जाते हैं। क्या बोलते हैं जब वोट मांगने आते हैं तो? कुछ कहते होंगे ना आपसे? कहते हैं वोट दो हमारे को। क्यों दो? आप पूछते नहीं हो क्यों दो? पूछते नहीं हो क्यों दो? पूछते हैं ना क्यों दो फिर, लेकिन पहले तो बोलते हैं कि हम आपकी समस्या सारी हल करेंगे, फिर बाद में मुकर जाते हैं। अच्छा पहले बोलते हैं समस्या हल करेंगे बाद में मुकर जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा आरोप ये नेताओं के ऊपर है कि पहले आप लोग बोलते हो कि समस्याएं सॉल्व करेंगे लेकिन जब आप जीत जाते हो तो आप मुकर जाते हो, तो ये आरोप जनता का, इसे गंभीर रूप से लीजिए। क्या लगता है आपकी बार क्या मूड लग रहा है, राजनीति को लेकर क्या चर्चाएं चल रही है? राजस्थान में तो समझो कांग्रेस ही आएगा ज्यादातर। राजस्थान में कांग्रेस आएगा इसके बाद तो? ऐसी क्या विडंबना हुई कि बीजेपी ने ही कौन सा निहाल कर दिया, क्या कर दिया? सब ऐसे ही बेवकूफ बनाने वाले, एक मजदूर के बेवकूफ बनाने करके सब खाते हैं बस, मजदूर को बेवकूफ सिक्का बनाते हैं बस। और तो लेकिन लेकिन आम जनता के पास एक बहुत बड़ा हथियार, किसी को नहीं देखता है, सब अपने भाग्य से खाता है। मेरी बात किसी तो आपके पास सबसे बड़ा ताकत है, हथियार है वोट देने का, तो इस हमारे से थोड़ी ना हो जाएगा। अब लाखों पब्लिक है, सारे पब्लिक इकट्ठा हो, जब ना एक हो, जब ना पब्लिक में ही फूट है तो नेता तो फूट करेगा ही करेगा। पब्लिक में फूट है तो नेता तो फूट करेगा ही करेगा। जनता को एकता की आवश्यकता है, अगर जनता में फूट होगी तो ये तो सीधी सी बात है कि कोई भी आप लोगों को बेवकूफ बना सकता है। आइए बात करते हैं भाई साहब से, जो दिन भर लोगों को चाय पिलाते हैं, कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पहले सबको चाय पिलाते थे, तो हो सकता है भाई साहब भी कभी प्रधानमंत्री बन जाए। भाई साहब आपको क्या लगता है, लोगों को चाय पिलाते हो दिन भर, चाय पे चर्चाएं चलती रहती है, युवा आते हैं, हर वर्ग के लोग आते हैं, लेकिन आम जनता का क्या मूड है? जो वादे किए थे ना उनमें एक भी वादा पूरा नहीं किया, खाली केवल कैसा है कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऐसा है कि दुनिया को पागल बनाया। अच्छा अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दुनिया को पागल बनाया। भाई साहब चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है आम जनता क्या चाहती है? नेता तो तैयारी कर रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, यही चाहती है कि हर आम आदमी का फायदा हो, उनको रोजगार मिले, उनके काम धंधे चले। जब से ये बीजेपी सरकार आई है मोदी ने बेवकूफ बनाया पूरी जनता को। मोदी जी ने बेवकूफ बनाया? हाँ, पार्टी के नाम पे इन्होंने फंड खाया, पैसा खाया, जो भी कुछ किया। अब ये तो हम कह नहीं सकते किसने क्या खाया क्या नहीं खाया, लेकिन जहाँ सुधार होना चाहिए था नेगेटिव गया। ये आम जनता क्या करने वाली है अब की बार? इसको तो वोट नहीं देगी आम जनता। समझदार आदमी होगा वो तो नहीं देगा वोट, तो परिवर्तन हो सकता है? जो स्वार्थी आदमी होगा या उनका सपोर्टर होगा वो ही उनको वोट देगा, बाकी आम आदमी तो नहीं देगा। आम आदमी नहीं देगा तो अलग अलग रुझान में लोगों के जानने को मिल रहे हैं, कहीं देखे तो गुस्सा, कहीं देखे तो सरकार के प्रति अगर बात करें हम तो लोगों में प्यार भी। और पहले कभी रौनक एक एक महीने पहले लगने लग जाती थी, आज कहीं रौनक दिख रही है आपको? एक सप्ताह भी नहीं दिवाली का, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, धंधे ही नहीं है लोगों के पास, क्या करेगा आदमी? तो लोग अपने अपने जो रुझान है, अपने अपने व्यू हैं, अपने अपने विचार हैं, वो हमसे साझा कर रहे हैं और हम आपके पास सीधे जनता की राय पहुंचा रहे हैं। ऑटो चालक होने के नाते क्या लगता है आपको?
वो सवारी बिठाता हूँ तो वो भी मना कर देते हैं, बोले इस बार तो मोदी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, सवारी भी आपकी ये कहती है कि मोदी जी को वोट नहीं देंगे? बिल्कुल। अच्छा, क्यों नहीं देंगे? स्थिति खराब है, सब रोजगार को बजरी महंगा कर दिया, सब कुछ महंगा कर दिया, सब चीज में मतलब हालत खराब। अच्छा, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, पब्लिक परेशान हो गई है, दुखी हो गई है एकदम से। पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान हो गई है, दुखी हो गई है। मोदी को तो वोट नहीं देंगे, मोदी जी को वोट नहीं देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मोदी जी का क्रेज था, अगर देखें तो थोड़ा सा रोष मोदी जी के खिलाफ यहाँ लोगों में देखने को मिल रहा है, ऑटो वाले और चाय वालों के अंदर देखने को मिल रहा है। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आप देख रहे हैं जयपुर शहर से क्या है जनता का मूड। तो यहाँ के वोटर्स नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें सिर्फ चुनाव के वक्त ही जनता की याद आती है और चुनाव के बाद वो वादे धरे के धरे रह जाते हैं। हालांकि बीजेपी के कोर वोटर्स भी मिले जो बीजेपी की कथनी करनी में अंतर नहीं इसलिए सपोर्ट करते नजर आए, जबकि कुछ इलाकों में लोग इस बार अब तक रहे ट्रेंड के साथ जाने का मन बना रहे हैं। लेकिन लोगों की दिलचस्पी किसी स्थानीय को टिकट दिलवाने में है, नेता वही हो जो उनके बीच का हो, उनकी परेशानियों को सुन। फिलहाल हम जयपुर की बस के अंदर जयपुर वासियों के साथ यात्रा कर रहे हैं, पर आइए जयपुर वासियों से जानते हैं आखिर चुनावों को लेके क्या मूड है। अंकल नमस्कार। नमस्कार जी। चुनाव आने वाले हैं अंकल? बिल्कुल आने वाले। दिसंबर के अंदर चुनावों की घोषणा हो चुकी है, हो चुकी है। आखिर आम जनता की क्या तैयारी है, आम जनता क्या चाहती है? आम जनता वापस भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, वापस बीजेपी को चाहती है। हाँ, चाहती है। अच्छा, ऐसा क्यों है कि वापस जो राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, लेकिन वापस बीजेपी को चुनना, ऐसा क्यों चाहती है? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है ना वो काम करती है। तो जो जो वादे हुए थे जनता से वो पूरे हुए? लगभग पूरे हो गए। लगभग पूरे हुए तो अब की बार वापस बीजेपी आएगी? वापस बीजेपी आएगी। अच्छा, तो लोग हैं जो बीजेपी का भी समर्थन यहाँ पर कर रहे हैं कि वापस बीजेपी आएगी। हम यहाँ लोगों से बात करेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि माननीय वसुंधरा राजे जी की टी शर्ट युवाओं ने पहन रखी है और बीजेपी का क्रेज है, सीएम का क्रेज भी युवाओं में हमें देखने को मिल रहा है। आइए बात करते हैं युवा साथी से हम। क्या लगता है भाई, अब की बार बड़ी दीवानगी है तुम्हें तो बीजेपी की? बीजेपी वसुंधरा राजे, अब की बार बीजेपी आएगी वसुंधरा राजे? हाँ। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि राजस्थान बहुत कुछ किया है उन्होंने, राजस्थान में बहुत कुछ किया है। जैसे क्या क्या काम करवाए? जैसे कि क्या बताएं आपको, स्वच्छता अभियान और भी बहुत सी चीजें, स्वच्छता अभियान और भी बहुत सारे काम, और भी जैसे खासकर बच्चियों के लिए योजना चलाई है बहुत सी। इलेक्शंस आने वाले हैं, युवाओं का क्या रोल रहने वाला है अब की बार इलेक्शंस में? ये युवाओं के लिए तो दोनों सरकारें, दोनों पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों राजनीति करती हैं, ये कुछ नहीं करती हैं। हमारे जो 26,000 तो बेरोजगार थे नीट लेवल फर्स्ट के, तो कांग्रेस ने तो इस भर्ती को अटका दिया और बीजेपी मात्र इस पर राजनीति करती रही। अच्छा, और तो कुछ नहीं किया। युवा क्या करेगा फिर? युवा तृतीय मोर्चे के साथ जाएगा अब की बार, तीसरे मोर्चे के साथ जाएगा, तीसरे विकल्प के साथ पक्का सर। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये सोचने वाली बात है। आम जनता का क्या रुझान है, रुख है चुनावों को लेके? कांग्रेस आएगी भाई, जब कांग्रेस आएगी। बीजेपी से खुश नहीं है लोग? बीजेपी से खुश नहीं है, बिल्कुल नाराज है। अच्छा, क्या क्या नुकसान, क्या क्या नुकसान है? नुकसान है, फायदा है ही नहीं। जैसे सब नुकसान है हर प्रकार के, जैसे हर प्रकार से नुकसान हुआ है, हर प्रकार से नुकसान हुआ है, इसलिए अब की बार कांग्रेस चुनने की बात बाबूजी कर रही है। और भी हमारे साथ यहाँ पे महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। दीदी नमस्ते, क्या लगता है आपके और महिलाओं का क्या मूड है, क्या रुझान है, महिलाओं को क्या अपेक्षाएं होती है सरकार से, राजनीतिक दलों से, क्या आप लोगों की समस्याएं होती हैं जो आप चाहते हैं कि लीडर सॉल्व करें या पार्टियां सॉल्व करें? दल से थोड़ा दूर ही रहना पसंद करती हूँ, इन चीजों से दूर रहना पसंद करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन सरकार से तो आपको इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए यूथ का। बीजेपी आएगी वो तो पक्का, बीजेपी आएगी कंफर्म है। किनका क्रेज है? मोदी जी। अच्छा, मोदी जी का क्रेज है इसलिए बीजेपी आएगी। दूर तो यह राजनीति से रहना चाहती है, लेकिन फिर भी है जो मोदी जी को चुनने की यहाँ पर बात कर रही है। चुनाव आने वाले हैं,
क्या इस बार आम जनता का मूड है, आम जनता का क्या रुख है? आम जनता का कम से कम कांग्रेस पार्टी को लाने का मूड है, जो भी पुरानी परंपरा जो चली आ रही है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस से जो दोबारा उसी को सर्च कर रही है, और लोग युवा वक्त तो अधिकांश समय मतलब बीजेपी से उब गया है मतलब उनके। अच्छा मतलब एक ये कि परंपरा ही निभाएंगी या विकास को भी कभी जनता देखेगी या कभी एक अच्छे मुद्दों पर भी प्रत्याशी को चुनोगी या हमेशा परंपरा को ही निभाएंगी? जो भी सरकार आ जाती है जो बातें कहती है जिसमें मुद्दा चलाती है उनको सारी बातों को वो भूल जाती है। अच्छा जो जिस पे भी मुद्दे पे सरकार आती है वो मुद्दों को भूल जाती है, इसलिए फिर बाद में सत्ता पर वो खड़ी नहीं उतरती है, इसलिए वो सत्ता परिवर्तन करते हैं। अच्छा इस बार सत्ता परिवर्तन निश्चित है, सत्ता परिवर्तन के भी यहाँ पे हमें चांसेस हैं जो लोग हमें बता रहे हैं, और भी हम यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं। नमस्ते। स्टूडेंट्स के क्या मुद्दे होते हैं, आखिर एक महिला एक गर्ल होने के नाते और एक स्टूडेंट होने के नाते आपकी क्या अपेक्षाएं सरकार से और अपने नेताओं से कि क्या गवर्नमेंट करनी चाहिए, क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को मिलनी चाहिए? कोई भी सुविधा पहले तो ये किसी भी डिसाइड नहीं करना चाहिए, कांग्रेस या बीजेपी जो भी आए, हम लोगों को अपने क्षेत्र से एक ऐसा नेता चुन के देना चाहिए जो हमारे आसपास के, क्योंकि अगर मान लीजिए सीएम बन भी गया कोई भी तो ना वसुंधरा पूछने वसुंधरा राजे पूछने आएंगी, ना सचिन पायलट, ना अशोक गहलोत, ना वो तीसरे मोर्चे के कोई भी लोग जी। तो जरूरी है कि हमारे क्षेत्र का कौन विकास करेगा। और तीसरी बात अगर व्यापक पूरे मुद्दे पर देखें तो अभी रोजगार की जो सबसे बड़ी समस्या है उसको सुलझाना बहुत जरूरी है, और उसके लिए जरूरी है कि हम कुछ भी मतलब स्किल्स जो मोदी जी बात करते हैं स्किल्स को बढ़ाएं उनकी, और जो छोटे स्तर पर रोजगार को बढ़ाएं, छोटे स्तर पर रोजगार बढ़ना चाहिए, और जो अपने क्षेत्र का प्रत्याशी है वो अच्छा चुनना चाहिए, क्षेत्र का प्रत्याशी ना अभी तो सीएम की तरफ देख के वोट करना चाहिए। अगर हमारे क्षेत्र का प्रत्याशी अच्छा होगा तो सीएम, अगर वो आपके मुद्दे कौन उठाएगा, क्षेत्र का प्रत्याशी उठाएगा ना, सीएम कभी डायरेक्ट नहीं आएंगे आपके पास पूछने, तो जरूरी है कि आपके क्षेत्र का प्रत्याशी हो, आप उसको अच्छी तरह देखो वो कितना सक्षम है आपकी मांगे पूरी करने में और उनको सुनने में, वो ज्यादा जरूरी है। अच्छा बहुत एक अच्छी एडवाइस यहाँ पे हमें इनसे जानने को मिली है कि अपना प्रत्याशी है जो क्षेत्रीय प्रत्याशी है वो अच्छा होना चाहिए, ना अपितु सीएम या लहर को देख के वोट करना चाहिए, तभी जाकर आपके स्थानीय समस्या को स्थानीय मुद्दों को उठाया जा सकता है। अपना वोट तो मोदी को जाएगा। आपका वोट मोदी को जाएगा? मोदी जी से खुश है? खुश है ना। अच्छा क्या क्या काम किए मोदी जी? नहीं हमारे गांव में ऐसा कोई काम नहीं जो बचा है, सब काम करा, मंदिर बना, धर्मशाला बना दी, सड़क बना दी, नल लगवा दिए, सारे काम हो गए। सारे काम हो गए हमारे गांव में जो भी था। तो इनके गांव में सारे काम हो गए, इसलिए अब की बार ये मोदी जी को चुनेंगे और मोदी जी से खुश है। तो अलग अलग रुझान हमें यहाँ लोगों के जानने को मिले कि आखिर जनता का क्या मूड है इस विधानसभा चुनाव को लेके। ये था यहाँ के वोटर्स का मिजाज। अब देखना होगा कि जयपुर फतह करने के लिए इस बार कांग्रेस क्या रणनीति अपनाती है और जयपुर के शहरी आबादी को कितना प्रभावित कर पाती है। इसी के साथ ही हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए इलाके से क्या है जनता के मूड के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत।